स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए मन की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए रोज कुछ समय देकर ये गहन योग तपस्या जरूर करें, क्योंकि ये तपस्या ही जीवन को महान और वंदनीय बनाती है। अनुभव करें, मैं आत्मा चमकीले लाइट के शरीर में अपने पवित्र फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हूं। यहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमारे तन और मन को शांत, हल्का और सभी व्यर्थ नेगेटिव से तुरंत मुक्त बना देता है। हम परमात्म शक्तियों से ऊर्जावान होने लगते हैं। देखें, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में परम धाम जा रही हूं। वहां पहुंचकर शिव बाबा के पास बैठ जाती हूं। मैं परम धाम में बाबा संग हूं। बाबा महाज्योति और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूं। मैं सबसे न्यारी होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूं। बाबा चैतन्य बीज और मैं आत्मा उस बीज के साथ कंबाइंड होती जा रही हूं। कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूं। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी, उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूं। बाबा चमकता सितारा और मैं आत्मा भी सितारा हूं। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें
मुझ आत्मा में बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूं। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूं। बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूं। बाबा शक्तियों का सागर उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली सर्व कमजोरियों से मुक्त अनुभव कर रही हूं। बाबा स्वीट का पहाड़ और मैं आत्मा उसको हप करती जा रही हूं। बाबा की सारी मधुरता सारी स्वीटनेस अपने में समा रही हूं। मैं बाबा की मीठी बच्चा बनती जा रही हूं। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूं। निशब्दता कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूं। अब मैं आत्मा नीचे आते हुए सूक्ष्म बतन से फरिश्ता शरीर को धारण कर स्थूल वतन की तरफ आ रही हूं। मैं संपूर्ण पवित्र पावन फरिश्ता हूं और मेरी पवित्रता का असर पांचों तत्वों और संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रहा है। सारी सृष्टि पवित्रता के प्रकाश से खिल रही है। शांति। थैंक यू भाई जी। साक्षी सिस्टर आप हो क्या?
ओम शांति। अभी हम मुरली रीडिंग करेंगे। आज का मुरली का डेट है 26/11/1979। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं। सो बाबा क्यों आते हैं? बच्चों को याद प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। सो बाबा, सो हम बच्चों का समान बनते हैं, माना साकार में आते हैं, है ना? वो समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। ये है डेफिनेशन। स्नेह का रिटर्न क्या है? समान बनना। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। सो बाबा इतना निरहंकारी है ना? सो सदा बाबा कह रहे हम बच्चों का आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप परकाई प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। देखिए बाबा, बाबा का तो अपना देह नहीं है, है ना? बाबा परकाय प्रवेश, ब्रह्मा बाबा का शरीर प्रवेश होके वो प्रीत का रीति निभाने के लिए बाबा आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? सो देखिए बाबा पूछ रहे, आप अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही है, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। सो बाबा कह रहे सब बच्चे तो स्नेही है, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से बाघ आना यह भी स्नेह है ना? हम बच्चे कितना दूर दूर से बाबा के मिलन के लिए जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? क्योंकि स्नेह है बाबा से। सो यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो। सो संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। सो बाबा को एक ही संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। देखिए बाबा इतना अच्छा कह रहे। सो बाबा कह रहे हैं, सो जैसे बाबा साकार रूपधारी बन के हमारे सामने आते हैं, सो हमें क्या करना है? हमें बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनना है, या निराकारी शिव बाबा के गुणों समान, सातों गुणों है ना मेन। सो बाबा कह रहे हैं बाबा के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। सो इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है। सो अभी बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी आप संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देना, माना बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनना, या निराकारी बाप के गुणों में सर्व गुणों में मास्टर बनना, है ना? ये है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। सो ये संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है अभी। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, बने जरूर हो लेकिन नंबर वार। सो बाबा ये आंसर दे रहे, अब बने हो जरूर हो लेकिन नंबर वार है, परसेंटेज है। आज बाप दादा सर्व बच्चों की
याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान सा, सॉरी एक मिनट, आज बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? सो बाबा ने क्या खेल देखा बच्चों का खेल? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। सो बाबा एग्जाम्पल देके बाबा हमें एक समझा रहे है ना, जैसे प्लेन्स क्या होता है, एरोड्रम में आके सब रुक जाते हैं ना, ऐसे हम सब बच्चे बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। लक्ष्य था, लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था एक सेकेंड में उड़ने का। सो लक्ष्य क्या है? उड़कर बाप समान बनना, और डायरेक्शन था 1 सेकेंड। सो एक ही सेकेंड है हमें उड़ने के लिए समय। क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। सो बाबा एग्जाम्पल बता रहे, जैसे साइंस का साधन है ना एरोप्लेन में, क्या करते हैं सब वो लगेज क्या क्या है ना, उसको बैगेज को भरते हैं ना, और उसको क्या है, पेट्रोल देखते हैं और हवा देखते हैं, चेक करते हैं ना वो एरोप्लेन उड़ने के पहले, और खाना जो 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 चाहिए नेसेसिटीज, वो सब वो चेक करके ही बाद में एरोप्लेन उड़ता है ना। सो ऐसे ही सो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन उड़ जाते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए। सो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान अपने स्थान, हमारा एरोड्रम कौन सा है ना, मधुबन है हमारा एरोड्रम है ना। सो हम आत्मा रूपी विमान सब अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था, क्या डायरेक्शन था, अथवा है 1 सेकेंड में उड़ने का। सो डायरेक्शन था 1 सेकेंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गई। सो बाबा रिजल्ट बता रहे, सो डायरेक्शन था कि 1 सेकेंड में उड़ने का, कोई चेकिंग करने में रह गई कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, इसी चेकिंग में रह गई, और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गई। सो देखिए बाबा रिजल्ट बता रहे, सो एक आत्मा आत्मा को 1 सेकेंड में उड़ना था, सो क्या कर रहे थे, कोई अपने आप को आत्मा समझना, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे बेसिक अपने आप को कॉमेंट्री दिला के उड़ना चाहते थे है ना। कुछ लोग ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं पाए। इंपॉर्टेंट लाइन है, शुद्ध संकल्प था लेकिन स्वरूप नहीं है ना, स्वरूप नहीं बन पाए। संकल्प तो था उड़ने का, आत्मा समझना सब था, मगर स्वरूप नहीं, तो
दूसरी स्टेज बरने तक रह गए और कोई फिर बरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। सो वो बरने में इतना बिजी रह गए कि उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। सो बाबा कह रहे हैं वो रिजल्ट क्या है, वो तो शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसा आत्मा का वो ज्ञान को पॉइंट्स को स्मृति में लाते लाते शुद्ध संकल्प में के तो रमण करते थे, लेकिन देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। अभी हम एक सेकेंड अपने आप को अशरीरी स्टेज में स्थित करेंगे। बहुत चुने हुए तोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकेंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। तो देखिए बाबा कह रहे हैं चुने हुए तोड़े से आत्माएं है ना, बाप के डायरेक्शन प्रमाण माने एक सेकेंड में वो अशरीरी स्टेज में स्थित होना है ना, वो था डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के समान वो सेकेंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे बाप प्रवेश होते हैं चले जाते हैं ना, शिव बाबा परंधाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा का शरीर में प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर जीवा जन्मदारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परंधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। सो बाबा कह रहे हैं इस तीनों का भी मालिक हो, इसलिए आप स्वतंत्र हो, कहाँ भी आप जा सकते हो, जब चाहो कर्मयोगी बन सकते हो, जब चाहो परंधाम निवासी योगी, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। इस समय त्रिलोकी नाथ हो, सो बाबा का टाइटल दे रहे हैं आज हमें, हम क्या है, त्रिलोकी नाथ है, क्योंकि तीनों लोकों को सैर करने वाले हैं ना, त्रिलोकी नाथ है। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। कई बच्चों का एक सेकेंड पहुंचता है कि सॉरी कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। सो देखिए सो हम बच्चों का कंप्लेंट, सो बच्चे कहते हैं कि बाप तो निर्बंधन है, सो इजीली बाबा कहीं भी जा सकते हैं है ना, तीनों लोकों में बाबा सेर कर सकते हैं, और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? सो बाबा उन बच्चों के लिए बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक आप देह सहित त्याग नहीं किया है, इसलिए अभी तक भी हम देह का बंधन कर्मक बंधन का कंप्लेन कर रहे हैं ना। पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा ना कि मेरा। सो बाबा हमें वो वायदा याद दिला रहे, सो पहला पहला का वायदा क्या है कि तन मन धन तेरा ना कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का। सो बाबा का उत्तर देखिए,
तो बाबा कह रहे, जब सब कुछ तेरा कह दिया तो मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन क्या है? देह का बंधन कहाँ से आया? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है, आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक, इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे, ये तन मन धन सब कुछ बाबा ने लोन पर दिया है हमें, है ना, हम ट्रस्टी है ना कि मालिक है। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया, अब यह नया 84 का जन्म है। सो बाबा कह रहे, सो मर्जीवा बन गए तो सब कुछ दे दिया ना बाबा को, है ना, लोन पर बाबा ने दिया बस, है ना। मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब किताब सब समाप्त हो गया, अब नया 84, है ना, संगम युग में है ना हम, 84 का जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो, इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, संबंध है। सो ये जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना, ये ब्राह्मण का जन्म दिव्य जन्म है, ये बंधन नहीं है, ये संबंध है। कर्म बंधन जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। सो देखिए बाबा ने जो कंप्लेन किया ना, देह का बंधन और कर्म बंधन, इसके लिए बाबा ने उत्तर दे दिए। सो कर्म का बंधन के लिए बाबा कह रहे, आप कर्म के संबंध में आते हैं, है ना, कर्म का बंधन नहीं है, आप कर्म योगी जन्म है। ये इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये अलौकिक ब्राह्मण दिव्य जन्म है ना, ये आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को कोई बंधन नहीं, ना देह का बंधन, ना कर्म का बंधन, ना पुरानी दुनिया का बंधन, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र है। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। देखिए बाबा कह रहे, जब हम तेरे को मेरे में लाते, मेरा मेरा देह, मेरा मेरा वस्तु वैभव, है ना, सो सब कुछ तन मन धन सब कुछ मेरा कहते हैं ना। सो बाबा कह रहे, तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार, आप कहाँ से आया, कहाँ से? सो बाबा कह रहे, मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, तो सेकेंड में उड़ सकते हो। देखिए इंपॉर्टेंट विधि है, बाबा कह रहे हमें स्वतंत्र बनना है। जब आत्मा स्वतंत्र बनती है तो एक सेकेंड में उड़ सकती है ना, इस देह तो लोन मिली हुई है, सो एक सेकेंड में उठ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वहां करेंगे, सो ये दूसरा वायदा है। पहला वायदा क्या है? तन मन धन सब कुछ तेरा। सो दूसरा है, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वहां करेंगे। तो बाप की बंदनी आत्मा हो या कर्म बंदनी आत्मा हो, सो बाबा पूछ रहे, आप बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, हम आत्मा ये स्वतंत्र है, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रही हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, है ना, मम्मा की ये विशेष धारणा थी, चलाने वाला चला रहा है ना, हम चल रहे हैं, हुक्मी हुक्म चलाते रहे, तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है, इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते, फिर कहते हैं कि अभी छुड़ाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। सो बाबा कह रहे,
सो हम क्या करते हैं, हम अपना ही जाल में फंस जाते हैं कि कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कार का बंधन है, संगठन का बंधन है ना, ये व्यर्थ संकल्प रूपी जाल में हम फंस जाते हैं, है ना। सो बाबा इसके लिए कह रहे हैं, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर जीवा बन चुके हो। देखिए बाबा कह रहे, आप पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर जीवा बन चुके हो। यहाँ तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुरानी शरीरों में बाप शक्ति बरकर चला रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें तो अपना शरीर नहीं है, ये शरीर खाली सिर्फ विश्व की सेवा के लिए है। बाबा इस पुराने शरीर में शक्ति बरकर हमें चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं, आप अपना जिम्मेवार भी संभाल नहीं सकते हो, है ना, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हो। जिम्मेवारी छोड़ो, छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो। सो जिम्मेवारी छोड़ना माना मेरापन छोड़ना। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरे ही हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिस अंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? देखिए यह है रॉयल माया। सो अपने आप को इस सूक्ष्म चेकिंग करना है ना, ये है रॉयल माया है। इसे माया जीत बन जाओ तो सेकेंड में प्रकृति जीत बन जावेंगे, प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। सो बाबा कह रहे हैं, सो इसमें माया जीत बनना है ना, मेरा मेरा है ना, रॉयल रूप का माया है, इसमें हमें माया जीत बनना है। तो बाबा तो प्रकृति का आधार लेना है, देह का आधार लेना है, लेकिन अधीन नहीं बनना। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकेंड का डायरेक्शन अशरीरी भाव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल देखा क्या, तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं, जो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। सो देखिए ये मेरापन है ना, रॉयल माया है ना, सूक्ष्म है ना। सो इस रॉयल माया को हमें चेकिंग करना है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त। एक बाप के संबंध में समझो तो एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। देखिए बाबा कह रहे, बाबा बताए ना डायरेक्शन क्या है, एक सेकेंड में हमें अशरीरी बनना। सो इसका हमें प्रैक्टिस करना है। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य भी चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। सो बाबा ये प्रैक्टिस बोल रहे। सो हम कितना भी सेवा में बिजी हो, चारों ओर है ना, कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमें एक सेकेंड अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं। सो देखिए बाबा कह रहे, जो भी सेवा बंधन है तो वो सेवा ही नहीं है, वो यथार्थ सेवा ही नहीं है, है ना। सो यथार्थ सेवा माना कोई बंधन नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सके,
याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी तो। निर्बंधन रहेंगे, ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। सो बाबा कह रहे इसके लिए क्या करना है, हमें ट्रस्टी, बंधन मुक्त रहना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है, समझा। अभी का अभ्यास क्या करना है, जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। सो बाबा कह रहे हैं जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना हर रोज, ऐसे ही हमें अति के समय अंत की स्टेज, हमारा अंत का स्टेज है ना, अंत का स्टेज को अनुभव करो, है ना। कर्मातीत अवस्था है ना हमारा अंत का स्टेज, उसका हमें अनुभव करना है, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान, जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे विश्व कल्याणकारी बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। दीदी, ये कर्मातीत मतलब क्या होता है? हाँ जी, कुछ कर्मातीत मतलब क्या होता है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्मातीत, हाँ जी बोलिए। कर्म करते योग की स्टेज रहे, कर्म करते योग की स्टेज रहे, कर्म अकर्म बन जाए, कोई उसका असर ना हो हमारे ऊपर, कर्म की। हाँ जी, करके कर्मातीत जैसे भी भाई ने बोला, योग की स्थिति में मत, अभी बाबा ने बताया ट्रस्टी बन के काम करना है, कर्म करते हैं परमात्मा की याद में, उनको समर्पण करके काम करना है, और फिर कर्म करने के बाद भी उसके फल की इच्छा ना हो, मतलब मेरा काम नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने किया और परमात्मा को समर्पण कर दिया, इसका फल भी उनको समर्पण, हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत ना हो कि मैंने ये कर्म किया है तो फल अच्छा ही आना चाहिए, या किसी को बड़ाई करना चाहिए, ये भावना ना हो, तो इसको कहते हैं कर्मातीत। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हमारी संपूर्ण स्टेज स्टेज को कर्मातीत स्टेज कहते हैं। हाँ जी बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति दीदी। कर्मातीत मतलब कर्म से अतीत, तो कर्म कोई भी कर्म, संकल्प से भी कर्म करते हुए अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसके फल की आशा न रखते हुए शुरू से लेकर कर्म से अतीत रहना, उपराम रहना और कर्म करना, जैसे ट्रस्टी हूँ अभी भाई बहनों ने शेयर किया, कर्म करते हुए भी कर्म योग में रहना, बाबा की याद में रहना कि बाबा का कार्य कर रही हूँ, उसमें भी मैपन नहीं आया, और फिर कर्म खत्म हुआ तभी भी बाबा को उसका रिजल्ट समर्पित के बाबा ये आपके लिए है, इसका जो भी फल है वो आपको अर्पित, तो फल से भी उपराम, फल से भी अतीत, तो यही है पूरे कर्मातीत का कि स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड एंड, तीनों
तीनों में हम उससे अतीत रहे, उपराम रहे, और जैसे बाबा के लिए कर रहे हैं और बाबा को सब समर्पित, तो हमारा कोई बंधन नहीं बनता है, इसीलिए उसको कर्म अतीत, कर्मातीत कहते हैं। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो बाबा ने कहा ना, कर्म अतीत है ना, तो जितना हम कर्म संबंध में आते जाते हैं ना, उतना हम कर्मातीत के समीप जाते हैं, है ना, उसका हमें प्रैक्टिस करनी है। बोलिए सिंपल सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि फॉलो फादर फॉलो मदर, बाबा ने बोला। तो मम्मा की जो धारणा थी बहुत ऊंची धारणा थी, तो उसके लिए बाबा ने आज रिपीट किया कि मम्मा की क्या धारणा थी, बच्चे हुक्म हुक्म चलाए रहा, माने वो करा रहा है, हम करने वाले नहीं है। तो इसको यदि हम फॉलो करें तो जैसे वो बहुत पहले चली गई, उन्होंने इतना तीव्र पुरुषार्थ कर लिया, तो हम आत्माएं भी तीव्र पुरुषार्थ कर सकती हैं। और बंधन के लिए बाबा ने बोला कि चाहे किसी भी प्रकार के बंधन है, लेकिन आप लोगों का ये जो जन्म है ये ब्राह्मण जन्म है। तो जब ब्राह्मण जन्म माना नया जन्म ले लिया, तो इस पुराने शरीर से पुरानी वस्तु वैभव किसी भी चीज के बंधन में हम लोग नहीं है। हमें संबंध रखना है खाली इससे, क्योंकि वैसे भी लौकिक में कोई नया जन्म लेता है तो पुराने सब चीजों से उपराम हो जाता है। तो इस तरह से हमें यही समझना है शायद कि हमने नया जन्म ले लिया है, ब्राह्मण जीवन माना मर्जीवा जन्म है। तो हम लोग जो है हर चीज के संबंध में आते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। कर्मातीत के लिए एक थॉट शेयर करना था। जैसे बाबा कहते हैं कि कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी, कर्म करते वक्त साक्षी, और कर्म होने के बाद विदेही। ये भी एक विधि है कर्मातीत स्थिति को अनुभव करने के लिए और उसे सदाकाल के लिए बना के रखने के लिए। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। प्लीज फिर से रिपीट करा देंगे प्लीज, जो बोला एक बार फिर से माइंड में से, जो भी बहन बोल रही थी ना, एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने जैसे मुरली में कहा है, कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी, कर्म करते समय साक्षी, और कर्म होने के बाद विदेही। इन इस विधि से चलेंगे तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, थैंक सो यू। त्रिकालदर्शी माना क्या है ना। सो कर्म करने के पहले हमें तीनों कालों के बारे में हमें सोचना है ना। त्रिकालदर्शी बन के उसका एंड रिजल्ट को हमें समझ के साक्षी होके हमें कर्म करना है ना, तभी हम ट्रस्टी बन सकते हैं। और विदेही है ना, कंप्लीट डिटैच हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, कर्म स्टार्टिंग से कर्म एंड तक जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तभी हम विदेही बन सकते हैं। सो कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, तुम तीनों लोक के मालिक हो, तुम जहां चाहो जब चाहो जा सकते हो, तुम निर्बंधन हो। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा को कहते हैं कि बाबा आपका तो देह नहीं है, आपका कोई बंधन नहीं है, आपका कोई कर्म का बंधन नहीं है, तो आप तो कहीं भी जा सकते हो, पर हम नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा कि तुमने तो कहा था कि मैंने सब त्याग कर दिया, वादा किया था कि मैंने तन मन धन सब आपको दे दिया, तो फिर किस टाइप का, फिर किस तरह का बंधन है तुम्हारा? तो ये मर जीवा जन्म है, 83 बर्थ्स खत्म हो गए, अब ये 84th बर्थ है। ये बर्थ बिल्कुल अलग है आपका पिछले बर्थ से, उसको कंपेयर मत करो। ये आपका अलौकिक जन्म है जिसमें कोई बंधन नहीं है, तो आप जहां चाहो एक सेकेंड में आप परमधाम निवासी, सूक्ष्म वतन निवासी, जो स्थिति में चाहो अपने आप को स्थित कर पाओ। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा शुरू में बोला था कि बाबा आते हैं जैसे बाप सबके समान स्नेह के कारण साकार निवासी बन जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं निराकार बाबा। और साकार बाबा देखो साकार में भी,
तो वैसे बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे बाप समान बन जाए, तो इसके लिए बाबा बताए कि आकारी समान व निराकारी समान अव्यक्त निवासी बन जाओ, या निराकार बाप समान बाप के गुण समान या गुणों के मास्टर बन जाओ। तो बाबा कहे कि इस तरह से हम बाबा के संपूर्ण रिटेन दे सकते हैं, जैसे बाबा आकर साकार में यहाँ हमें अपना स्नेह का देते हैं, तो उसी तरह हम बाबा के समान बन करके स्नेह का रिटेन दे सकते हैं आकारी रूप में या निराकारी निवासी बन करके। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये अब हमारा 83rd बर्थ समाप्त हुआ है, तो उस जन्म का कोई भी संस्कार या हिसाब अभी एक्चुअल में है ही नहीं। तो लेकिन अगर हमें याद आ जाता है तो माना हम अपने 84th बर्थ के बजाय अपने 83rd बर्थ में चले जाते। तो बाबा ने कहा है कि जब नया बर्थ हुआ है तो ये तन मन धन जो है भले हमारा पुराना है लेकिन हम अब इसके मालिक नहीं है, अब हम ट्रस्टी है और जो बाबा की श्रीमत है उसके प्रमाण हमें तन मन धन को कार्य में लगाना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम आज शांति बाबा ने कौन दीदी। सा टाइटल दिया? हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा है प्रकृति का आधार लेना है, अधीन नहीं बनना है। माया तो जादू मंत्र कर देते, इसलिए चेकिंग करना है। कर्म बंधन से कर्म योगी बनना है। एवरेडी का संकल्प किया, अशरीरी बनना, कितना बिजी होते हुए भी 1 सेकंड पर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। हाँ सर, हाँ सिस्टर, कुछ यही है ना हमारा अंत का पेपर। 1 सेकंड में हमें अशरीरी बनना है, सो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, और बाबा ने आज उड़ने के लिए कहा, 1 सेकंड में उड़ने के लिए कहा है, लेकिन बाबा कहे कि कई बच्चे तो चेकिंग करते ही रह जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और कोई कोई तो अपने मनन द्वारा स्वयं को शक्तिया के से संपन्न बनाने में रह जाते कि मैं ज्ञान स्वरूप, मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, लेकिन सब शुद्ध संकल्प तक ही रह जाते, उनका स्वरूप नहीं बन पाते हैं, केवल संकल्प तक ही रह जाते, फिर इसी में बिजी रहते हैं, तो उड़ने समय वो उड़ नहीं पाते हैं, धरती को छोड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा बोले केवल बहुत थोड़े ही बच्चे हैं जो जो सूक्ष्म वतन या मूल वतन तक पहुंच पाते हैं 1 सेकंड के डायरेक्शन से। ओम शांति। हाँ जी बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा जो है बच्चों को त्रिलोकीनाथ का टाइटल दे रहे हैं, तो त्रिलोकीनाथ का दे रहे हैं कि कहीं बच्चे जो है तीनों लोकों में कभी भी आ जा सकते हैं। तो कई बच्चे जैसे एक्सक्यूज करते हैं कि बाबा तो निर्बंधन है, वो तो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तो जब सब कुछ दे दिया तो क्या फिर काहे का बंधन, फिर काहे का बंधन है। तो आज बाबा इस तरह का ये हमें निर्बंधन बना रहे हैं। एक और प्रश्न है दीदी, जैसे बाबा कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन किया था कर्मातीत अवस्था का, तो ये जो कर्मातीत अवस्था है तो कई बार कई मुरलियों में बाबा बोलता है कि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी, तो क्या ये अभी नहीं आ सकती? कैसे ये अंत में, इसका क्या भाव है? ओम शांति।
जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? अंत में कर्मातीत अवस्था प्राप्त करते हैं, माने 100% कर्मातीत अवस्था। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कर्म बंधन से मुक्त होने का, है ना। कर्म कर्म के संबंध में आ रहे, कैसे कहा गया, कर्म योगी बन के कर्म के संबंध में आ रहे, है ना। तन मन धन सब कुछ तेरा बाबा, सरेंडरिंग सरेंडरिंग बुद्धि है ना, उससे भी हम कर्म बंधन से हम छूट रहे, है ना। ये सभी हमारे बंधन में बांधती है, देह देह की दुनिया की स्मृति, व्यक्ति वस्तु वैभव का स्मृति, अपना ही पुराना स्वभाव संस्कार का स्मृति हमें आत्मा को बंधन में बांधती है। तो इसलिए बाबा कह रहे, इस सब बंधन को हमें काटना है और हमें निर्बंधन स्वतंत्र रहना है। तो जितना हम स्वतंत्र होते जाते हैं, कर्म संबंध में आते, बंधन को तोड़ते जाते हैं ना, उतना हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाते हैं। सो अंत में हम 100% कर्मातीत बन जाते हैं। अभी तक बहुत जिम्मेवारियां हैं जो संभालनी है ना। ऐसे नहीं है शांति। अगर आप आज भी हाँ देखते हो कि योग लगे बहुत, अगर हार्ड वर्क कर ही नहीं पाते, तो अभी मैं तो कहता जरूरत है हमें धरती पर वो काम भी करने और कर्मातीत भी होते जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। मैं तो कहता हो जाए, तो आप कोशिश जारी रखिए। शांति, एक दिन ऐसे ही मनन चिंतन चल रहा था तो हमको बताया गया, कर्मातीत अवस्था मतलब संपूर्ण देही अवस्था, देही स्थिति का अनुभव होना, संपूर्ण आत्माभिमानी जब आत्मा बन जाती है, आत्माभिमानी मतलब आत्मा अलग और शरीर अलग, इसी को कर्मातीत अवस्था बोला जाता है। जैसे भी दीदी लोग ने शेयर किया, आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है, मेरा काम नहीं है, मुझे ट्रस्टी बन के ये काम मिला है तो मैं कर रही हूँ, ये परमात्मा का काम है, करने के बाद उसको समर्पित। फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि महसूस होने लगता है कि मैं हूं ही आत्मा, तो इसको बोला जाता है कि ये जब अवस्था आ जाती है तो ये कर्मातीत अवस्था के आसपास की ही अवस्था होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को गई थी ऐसी अवस्था। हाँ जी सिस्टर, बोलिए जाधव भाई जी। आप सभी पोल का भी आंसर दे सकते हैं। भाई जी आवाज नहीं आ रही, जाधव भाई जी। अभी आ रहा हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कर्मातीत अवस्था माना, जैसे ब्रह्मा बाबा स्टार्ट एंड में जब संपूर्ण बने, तभी उन्होंने दादी प्रकाश मणि के हाथ में अपना हाथ सौंप दिया और सारी शक्तियां उन्हें दान दिया, उन समर्पित किया। तो कर्मातीत अवस्था लास्ट में ही एंड में संपूर्ण बन जाती है, ये मेरा विचार है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो कर्मातीत अवस्था के बारे में जब सब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा अभी जिस कोई दीदी ने समझाया ना कि जैसे हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्टेप होकर कार्य करते हैं, और कार्य खत्म होते होते ही बाबा को समर्पित करके डिटैच हो जाते हैं, विदेही बन जाते हैं। तो यही बाबा ने कहा है कि बच्चे हमेशा पहले तो ऊपर रहो, मींस अपने शरीर से अलग रहो ऊपर, फिर ऊपर से जब भी जैसे कर्म करना हो तो नीचे आओ, मींस हम मेहमान बनकर रहे और नीचे शरीर में एंटर हुए कर्म करते हुए, फिर कर्म करने के बाद फिर से बाबा को अर्पित करके फिर से विदेही डिटैच हो जाए। तो ये जब प्रैक्टिस हमारी ज्यादा 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 जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे मुझे आत्मा को मेरा डिफरेंस और शरीर का डिफरेंस पता चलता जाएगा कि मैं अलग हूँ और ये शरीर भी अलग है। जितना जितना हम ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतना उतना दोनों अलग 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 अलग
होता जाएगा, और फिर जो कर्मातीत अवस्था पे होता है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके इतना देह में रहते हुए भी इतनी प्रकाशमान रहती है कि जैसे उसका प्रकाश का आकार ही शरीर भी उधर चमक रहा है, आत्मा है ही कर्मातीत बनती जा रही है, तब उसका प्रकाश भी प्रकाशित होता जा रहा है उसके शरीर के आसपास। तो ये है संपूर्ण, फिर ऐसे बढ़ते 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 हम कर्मातीत तरफ जाते हैं और छूटती है फिर आकाश आकारी शरीर छोड़ती है आत्मा। तो ऐसा एक दादी, पता नहीं कौन सी दादी का ये पढ़ा था और देखा था, लेकिन एक दादी का यही पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ओम शांति। जी, ओम शांति। बोलो किरण जी। अगर अगर आपको किसी को दादी गुलजार दादी का कर्मती स्टेज का क्लास सुनना है तो मैंने चैट में अभी डाला है, बहुत ही अच्छा है, वो आपको डीप समझाएंगे। ओके ओम शांति। बोलिए हेलो कैलाश ओम भाई जी। शांति। हाँ दीदी, मैंने वो अपने प्रकाशमणि दादी जी का देखा था, मतलब जब कर्मातीत बनी उसके 10 इयर्स पहले भी देखा था, लेकिन जब उनकी कर्मातीत अवस्था आई थी तो जब वो डायमंड हॉल में आती थी और ऐसे उनके हाथ में फ्लावर का वो बुके रहता था, तो पूरे वाइब्रेशन जो है, जैसे बाबा आने के बाद बदल जाते हैं हॉल के साइलेंस, वैसे उस प्रकार का अनुभव उस समय सभी को होता था। और जैसे भाई ने कहा है कि अंत में, माना उनका शायद भाव ये है कि सृष्टि के विनाश के टाइम बनेगा, लेकिन उसमें हम ये कह सकते कि हर एक आत्मा का जब शरीर छूटने का अंत समय आएगा, हर एक का अपना अपना समय रहेगा, भले सृष्टि के अंत का ही समय है, लेकिन उस समय के पहले हमें अपने कर्मातीत स्टेज का अनुभव होगा, ये बाबा का भाव है कहने। हाँ जी, ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। आज हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, संकल्प किया अशरीर बना, 1 सेकंड में अशरीर बन जाना, इस प्रैक्टिस को हम बढ़ाएंगे। सो कितना भी हम सेवा में बिजी हो या कार्य में चारों ओर की ओर खींचता हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, उस टाइम में भी इस 1 सेकंड में अशरीरी बनने का हम अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। सदा यही स्मृति हम रखेंगे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, मैं ट्रस्टी हूँ। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योति, देह की दुनिया, पुराना स्वभाव, संस्कार, सर्व से निर्बंधन, मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। कोई परतंत्र नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।